दोस्तों शील्ड टीम को WWE में डेब्यू किए अब 10 साल होने को है। शील्ड टीम के तीनों मेंबर WWE में एक साथ काम नहीं करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी शील्ड टीम लाखों दिलों पर राज करती है। तो आज इस वीडियो में शील्ड टीम के कुछ मेमोरेबल मोमेंट के बारे में बात करेंगे। तो मैं हूं प्रिंस वर्धन और आप देख रहे हैं रेसल प्रिंस। तो बिना किसी टाइम वेस्ट वीडियो को शुरू करते हैं। पहला मेमोरेबल मोमेंट, शील्ड टीम का WWE में डेब्यू करना। दोस्तों सर्वाइवर सीरीज 2012 में जॉन सीना, सीएम पंक और रायबैक के बीच ट्रिपल थ्रेट मैच हुआ था। ये मैच काफी एंडिंग मोमेंट पर था। जॉन सीना को उस मैच में अपर हैंड मिल रहा था, लेकिन इतने में शील्ड टीम अपना WWE में ऑफिशियली डेब्यू करती है। आते ही रिंग में तीनों सुपरस्टार मिलकर जॉन सीना पर अटैक करते हैं। रिंग के बाहर जाकर कभी मारते हैं जॉन सीना को, कभी सीएम पंक को मारते हैं, कभी रायबैक को मारते हैं, और ऐसे करके तीनों सुपरस्टार को उन्होंने डिस्ट्रॉय करके रख दिया था, जो कि मेरा पर्सनल मेमोरेबल मोमेंट है। दूसरा मेमोरेबल मोमेंट है शील्ड टीम का टूटना। दोस्तों शील्ड टीम ने जब WWE में डेब्यू किया तो आने के बाद उन्होंने काफी तहलका मचाया। एक एक करके सारे टीम को वो हराते जा रहे थे। व्हाइट फैमिली को हराने के बाद एवोल्यूशन को भी हरा चुके थे। एवोल्यूशन के हारने के बाद ट्रिपल एच ने ये फैसला किया कि वो शील्ड टीम को तोड़ेंगे, और ऐसा करने में उनका साथ सेथ रॉलिंस ने दिया। सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंस पर चेयर शॉट से अटैक करके शील्ड टीम को तोड़ दिया, और ऐसे ही शील्ड टीम टूट गई। तीसरा मेमोरेबल मोमेंट, रोमन रेंस का लुकमिनिया होना। दोस्तों 2018 से पहले कई बार शील्ड बनी और टूटी भी, और इसी सब के बीच 22 अक्टूबर 2018 के रॉक एपिसोड में रोमन रेंस ने लुकमिनिया को अनाउंस कर दिया कि उनको लुकमिनिया बीमारी है, इसलिए वो यूनिवर्सल टाइटल को रिक्लेम करके वो WWE को छोड़कर चले जाएंगे। रोमन रेंस की इस बात को सुनकर WWE यूनिवर्स काफी इमोशनल हो गई। रोमन रेंस ने अपना टाइटल को रिंग में नीचे रखकर वहां से चल दिए। जब रोमन रेंस जा रहे होते हैं तो रोमन रेंस काफी इमोशनल होते हैं, इसलिए उनको ज्वाइन करते हैं शील्ड के दोनों मेंबर। सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस काफी इमोशनल से उनको हग करते हैं, और गले लगने के बाद तीनों सुपरस्टार काफी रोते हैं। चौथा मेमोरेबल मोमेंट है डीन एम्ब्रोस का शील्ड टीम से जाना। दोस्तों 2019 में सब कुछ सही हो चुका था। रोमन रेंस भी WWE में लुकमिनिया से फाइट करके आ चुके थे, वहीं सेथ रॉलिंस ने भी यूनिवर्सल टाइटल जीत लिया था। लेकिन तब फैंस काफी शॉक हो जाते हैं जब डीन एम्ब्रोस ने अनाउंस किया कि वो WWE को छोड़कर जा रहे हैं। WWE के ऑफिशियल और WWE फैंस भी काफी डीन एम्ब्रोस को रोकने की कोशिश किए हैं, लेकिन डीन एम्ब्रोस नहीं रुकते हैं। उन्होंने कह दिया था कि वो WWE से जाएंगे तो जाएंगे, और ऐसा उन्होंने किया भी, और इसीलिए 18 अप्रैल 2019 के रॉक एपिसोड में फाइनल गुड बाय करने के लिए आए थे। तीनों सुपरस्टार रिंग में खड़े होते हैं और एक दूसरे को देखकर काफी इमोशनल हो रहे थे। उसके बाद गले लगते हैं, और गले लगने के बाद शील्ड का सिग्नेचर करते हैं। ऐसे करके सारे ऑडियंस को डीन एम्ब्रोस थैंक्स बोलते हैं और वहां से चले जाते हैं। लेकिन इस बात से फैंस काफी दुखी थे। वो चाहते थे कि शील्ड का आखिरी मैच में देखने को मिले, और इसीलिए WWE अनाउंस करती है शील्ड का फाइनल चैप्टर। और यही मेरा पांचवा मेमोरेबल मोमेंट है। दोस्तों 21 अप्रैल 2019 के लाइव इवेंट में शील्ड टीम अपना आखिरी मैच लड़ती है। उनके ओपोनेंट बैरन कॉर्बन, बॉबी लैशली और ध्रुव मैकइंटायर थे। उस मैच में तीनों सुपरस्टार जी जान लगाकर फाइट करते हैं, और ये फाइट देखकर सारी ऑडियंस काफी खुश हो गई थी। लेकिन उनका खुशी ज्यादा दिन तक चलता नहीं है। शील्ड टीम उस मैच में जीत जाती है, और तीनों सुपरस्टार गले लगकर शील्ड टीम को गुड बाय बोल देते हैं, और ऐसे ही शील्ड टीम का गुड बाय हो जाता है। दोस्तों इसमें से आपका कौन सा मेमोरेबल मोमेंट है आप लोग कमेंट में बता सकते हैं।